हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारी क्लास नाइन्थ की वर्कशीट नंबर 13 जो है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। अब दो आइडेंटिटीज तो हम सीख चुके हैं, अब आज हम एक तीसरी आइडेंटिटी सीखेंगे कि वो हमारी कैलकुलेशंस को कैसे इजी कर सकती है। फॉर एग्जांपल हमसे कहा जाए कि 11 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर का आंसर क्या होगा, हम क्या करेंगे? हम करेंगे 11 इंटू 11 माइनस 5 इंटू 5, ये हमें पता है ये 121 होता है और ये 25 होता है, और आंसर जो है हमारा यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास? तो आंसर क्या है हमारा? आंसर है 96, ये हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन अब ये क्वेश्चन हम इस ढंग से दें, यानी लार्जर नंबर कर दें, 221 होल स्क्वायर माइनस 211 होल स्क्वायर। हमने यही मेथड अप्लाई किया कि हम 221 को 221 से मल्टीप्लाई करें एंड माइनस 211 इंटू 211। लेकिन अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, फिर जो आंसर आएंगे उन्हें सब्ट्रैक्ट करना, ये तो लंबा प्रोसीजर हो गया। और मैथ्स हमें हेल्प करता है हमारे कैलकुलेशंस को शॉर्ट करने में, हमारे टाइम सेव करने में, यहाँ तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गया। तो इसके लिए हम आज आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जिससे ये कैलकुलेशन भी ईजी हो जाए। तो हमारी आज की आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। यानी अगर हमारा क्वेश्चन इस पैटर्न में है तो हम उसको फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब सेम यही क्वेश्चन हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा x है और ये हमारा y है, तो 221 प्लस 211 एंड 221 माइनस 211। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ आ गया 432, और इनको ऐड किया तो ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये आंसर आया 10। तो ये मल्टीप्लिकेशन तो इजी है, बस क्या करना है, हमें जीरो और लगाना है। तो सिंपली कितनी जल्दी हमें आंसर मिल गया। तो ये आइडेंटिटी यूज़ करके हम जो हमारे स्क्वायर वाले नंबर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमें ये कहा जाए कि ये आइडेंटिटी आई कहाँ से, ये कैसे हमने बना ली आइडेंटिटी, तो अब वो भी चेक कर लेते हैं। हमारी आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो हम क्या करते हैं, x प्लस वाई को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अब हमें ये तो पता है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रेनबो मेथड, x इससे भी होगा और इधर भी, y यहाँ भी और यहाँ भी, यानी x इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों तो हो गए कैंसिल। तो अब हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास रह गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि हमारे किसके इक्वल है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब यहाँ एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हम आइडेंटिटी को दोनों टाइप से यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर हमें फैक्टराइज फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया है तो हम उसे इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और अगर स्क्वायर फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम उसे फैक्टर्स में चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखिए अगर हमें दिया है x माइनस फोर इंटू एक्स प्लस फोर, तो ये पहले ही फैक्टराइज फॉर्म में है, हमें क्या करना है, अपनी इस आइडेंटिटी को यूज़ करके इसे सॉल्व करना है, यानी x स्क्वायर और यहाँ y की जगह क्या है, y की जगह है 4, यानी 4 स्क्वायर, तो ये बन गया x स्क्वायर और 4 स्क्वायर इज 16। तो हमारे पास आ गया आंसर x स्क्वायर माइनस 16। यहाँ हमने कैसे यूज़ किया था, हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्मेट दिया हुआ था, हमने उसे फैक्टराइज फॉर्म में यूज़ करके आंसर सॉल्व किया था। तो इस ढंग से हम अपनी आइडेंटिटी को यूज़ करके दोनों ढंग से, यानी फैक्टराइज फॉर्म में हो या स्क्वायर फॉर्म में हो, अपने जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। अब हमारी वर्कशीट में जो हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, दैट इज एग्जांपल नंबर 4 जो है 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x, तो ये भी फैक्टराइज फॉर्म में दिया हुआ है, हमें फैक्टर्स बने हुए हैं इसमें, हमें फॉर्मूला यूज़ करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर
x की जगह हमारे पास क्या है 3 है और y की जगह है हमारे पास 2x. तो x स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर दैट इज 2x होल स्क्वायर. तो ये हो गया हमारे पास 9 और ये आ गया 2 स्क्वायर इज 4 एंड x स्क्वायर इज x स्क्वायर. तो आंसर आ गया हमारे पास 9 माइनस 4x स्क्वायर. अब एक बार हम अपने जो हमें क्वेश्चन ट्राई करने के लिए दिए गए हैं वो चेक कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर. तो इस टाइप का क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर चुके हैं. हमें क्या करना है, उनसे फैक्टर फॉर्म में चेंज करना है. यानी एक बार आप 100 प्लस 99 करेंगे और एक बार 100 माइनस 99 करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा, सॉरी सेकेंड क्वेश्चन यही था. अब थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2. यानी हमें फैक्टराइज फॉर्म में दिया, जैसे हमने x माइनस 4 x प्लस 4 किया है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई. अब यहां पर हमें क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई की जगह हमें क्या दिया हुआ है 2. तो y की जगह हम 2 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर और सॉल्व कर देंगे. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, 3x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 1. तो जिस टाइप से हमने ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था 3 माइनस 2x, अब यहां पर x की जगह हमारे पास 3x है और y की जगह 1 है. वैल्यू पुट करनी है और स्क्वायर ओपन करना है ना, बहुत इजी. तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप ये सारे क्वेश्चंस जो हमें ट्राई करने के लिए दिए गए हैं इन्हें अच्छे से ट्राई करेंगे. तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ्स.